I love the film. बकवास. देखो कुसुम, आपको फिल्म देखनी थी, हमने देखा दी. अगली बार हमें टॉर्चर मत करना. थैंक यू. I like the film. Disgusting. मैं तो कहता हूँ फिल्मों में पुलिस को इतना घटिया क्यों दिखाते हैं वो लोग. अगर आम जिंदगी में कोई चोरी कर ले तो पुलिस तो उसकी वाट लगा दे. ये किसका घर है? हमारा! राम! क्या होगा? प्रलय प्रताप! मैं आ गया सर. यहाँ का सब हो गया? हो गया. सब साफ हो गया. मुझे पता था, मैंने आपसे पहले ही कहा था, बड़े गुणी लोग हैं. अरे साफ हो गया का मतलब सब कुछ साफ करके चले गए. चोर थे वो लोग. मेरे 25 सैंडल भी. क्या? हाँ. कहाँ गए थे तुम? कहाँ गए थे उस वक्त? हनीमून पे? ओ, उन लोगों ने मुझे डिफिकल्ट काम देकर यहाँ से फुटा दिया और पूरा माल साफ करके ले गए सर. इसका मतलब वो लोग चोर थे सर. अरे भैया, अरे भाई, एक एक करके पूछो ना. शहर में अगर खुद पुलिस कमिश्नर का घर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? उन चोरों को पकड़ने के लिए क्या अब पुलिस प्राइवेट एजेंसी हायर करेगी? देखिए, इस तरह की घटनाओं से कमिश्नर साहब की योग्यता पर सवाल नहीं उठा सकते. इनके शहर में आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है, अपराध कम हुए हैं. अरे साहब बहुत अच्छे हैं. पिछले 13 साल से हम उनके नीचे काम कर रहे हैं. उसके पहले 7 साल तक वो मेरे नीचे काम कर रहे थे, मेरे जूनियर थे. एक अच्छे ऑफिसर के हुनर हमने कूट कूट कर भरे हैं उनके अंदर. हमारा बहुत आदर करते हैं. अरे चौकी पर हाजिरी लगाने से पहले हमारे घर पहुंच जाते थे, बर्तन झाड़ू पोछा सब करते थे और तो और लैट्रिन तक साफ कर देते थे. हम सर कितने ना समझ हैं ये लोग. बिल्कुल बच्चे बच्चे भेज दिए. देखिए वो, देखिए पिंक शर्ट वाली को, लगता है स्कूल से भाग के आई है. हेलो. हेलो. प्रलय प्रताप सिंह, मैं क्या करूं तुम्हारा, क्या करूं? जब भी मुंह खोलते हो प्रलय हो जाता है. क्यों क्यों पब्लिक में मुझे ताज पहना रहे हो या मेरी लुटिया डुबो रहे हो? ठीक है, मैंने 7 साल तुम्हारी जूनियरशिप की, लेकिन ये बात तुम दुनिया को क्यों बता रहे हो? फॉर व्हाट? सर ये मेरे भीतर की सूक्ष्म भावनाएं हैं सर, इसे आप अन्यथा ना लें. आपने जो कुछ मेरे लिए किया है वो दिलो दिमाग पे छपा हुआ है सर. अवसर मिलते ही मुंह के रास्ते निकल जाता है. तो रास्ता बदलो, क्योंकि यहाँ मेरा जनाजा निकल जाता है. ऐसी बात नहीं है सर, आपकी छवि में एक नई बात जुड़ती है सर. आप स्वभाव से जितने सख्त हैं, मन से उतने ही कोमल हैं. आपकी महानता की पोथी मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई है सर. आई अंडरस्टैंड. सर जब मैं बीमार पड़ा था आप मुझे देखने आए थे. आप मेरे लिए फल लाए, दवाइयाँ लाए, फिर आप बाथरूम में जाकर मेरे गंदे कपड़े धोने लगे. वो छोड़ो. मैंने आपसे हाथ जोड़कर विनती की, ऐसा मत कीजिए. आप नहीं माने. नहीं. आपने मेरा कच्चा तक धो दिया. वो छोड़ दो, वो भूल जाओ वो बात. ये सब मन में बैठा हुआ है सर. तो मन से उखाड़ दो उसको. प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ. नहीं नहीं सर, आप मेरी छवि का कुछ तो ख्याल रखिए सर. तो फिर मैं हाथ जोड़ता हूँ. मेहरबानी करके पिछली पुरानी बातें भूल जाइए. ठीक है सर, मैं याद रखूंगा. अरे लखिया बाबुल मोरे. भाई साहब थूक क्यों रहे हो? अरे गांव के दामाद हैं इसलिए इस पर थूक रहा हूँ, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट. हाँ थूक. मुंह पे थूकते हैं ये. हाँ पहचाना? हजारी. ये मुरारी. हाँ बोलोगी कुछ? भागो. पकड़ो इनको. वो सोनिया, गोली मत चलाना. अरे तू क्यों रिवर्स गियर लगा रहा है? जा भाग. सर सीनियर है आप. अरे तू तो सीनियर सिटीजन नहीं है ना, जा पकड़. अरे हजारी धीरे धीरे पूरे छींटे हमारे ऊपर आ रहे हैं. अरे यार छाता लेके क्यों नहीं आई? अरे पका दिया यार इस हवलदार ने. मैं भी पेशाब करूं? यहाँ क्या लिखा है? यहाँ पे पेशाब करना मना है. तो फिर कैसे पेशाब करिएगा?
तुम दोनों तो मूत रहे हो। अरे मन पड़े हमारी छोड़ो, अरे तुम कुछ बोलोगी। अरे ये हजारी हम मुरारी है। हाँ मूतते रहो, पूरी टंकी खाली करके आना, उससे पहले जिम मत बंद करना। मुझे कुछ नहीं सुनना है। कुसुम कुसुम, मुझे अपनी गाड़ी वापस चाहिए आज शाम। तुम कमिश्नर हो ना पुलिस में? जस्ट गेट माय कार बैक। डार्लिंग तुम पेशेंस रखो, मेरी सारी पुलिस तुम्हारी गाड़ी के पीछे है। अब तुम मेरे पीछे मत पड़ो प्लीज। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है, आई वॉन्ट माई कार बैक, दैट्स इट। सर आप चिंता मत कीजिए, ये काम है ना अपने सिंह साहब अच्छी तरह से कर लेंगे। अब वही ढूंढेंगे गाड़ी को। तुम यहीं खड़े रहो। ये पुलिस वाला क्या कर रहा है? ए, चल बाहर निकल। हाँ हाँ, अरे क्यों निकल बाहर? आ गए आने में क्या? अरे वाह प्रभु, प्रणाम। जीते रहो बच्चा, जीते रहो। प्रभु हमारी एक समस्या है। हाँ बोलिए। हमारी गाड़ी चोरी हो गई है। चोर गाड़ी लेकर भाग गया है। वाह वाह बहुत अच्छे, आपके माथे की ललाट की मुस्कुराहट और कपड़े बता रहे हैं कि आप पुलिस में काम करते हैं। अरे वाह प्रभु। बस आप हमें इतना बताइए, गाड़ी का नंबर क्या था, मॉडल क्या है और कलर क्या है गाड़ी का? बस। अरे ये तो साहब ने बताया ही नहीं हमें। कैसी तो हालत हो गई है तुम्हारी, दिन रात काम काम काम। सही कह रहे हैं आप। आपके जूनियर किसी जमाने में सीनियर बनकर बैठे हैं आपके। ये भी सच है। आप पर रगड़ घिसकी 87.5 चल रही है बेटा। 87.5? हाँ, इसमें क्या होता है, आदमी रगड़ता रहता है घिसता रहता है लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। अरे वाह प्रभु, प्रभु आप हैं कौन? वैसे नाम हमारा होता है श्री श्री 75 पदम श्री आबा बाबा चीटानंद। वैसे आदमी तुम हमको जज गए हो भाई, ये मासूम चेहरा खिलता हुआ ललाट, तुम चाहो तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। बड़ी कृपा होगी प्रभु। हो गई कृपा, हो गई। देखो बड़े जो गाड़ी देख रहे हो तुम, जिससे हम अभी अभी उतरे हैं और तुम बैठोगे, ये गाड़ी नहीं है सफलता का वाहन है। वाह। चमत्कार है चमत्कार, जो भी इस पर चढ़ा है बैठा है लेटा है वो सीधा ऊपर पहुंचा है। देखो बड़ा तुम्हारे लिए कीमत है 111,011 रुपए और 11 केले किसी गरीब को खिला देना, ठीक है? मंजूर? मंजूर। बैठो। सर मेरी लॉटरी निकली है, 111,011 रुपए में खरीदी है सर गाड़ी। ये गाड़ी तुमने खरीदी? जी। ये गाड़ी? ये सर, जब तक कुकी जी की गाड़ी नहीं मिलती आप ये यूज कीजिए, घर की बात है। ये क्या है? क्या है सर ये? अरे एक गाड़ी दो नंबर सर। एक एक नंबर के बेवकूफ हो तुम प्रलय प्रताप, ये गाड़ी मेरी बीवी की है कुसुम की। It's impossible to sell myself in this foolish world with this foolish horse। अरे बेवकूफ बनाया सर। आइए आइए, ये खंडर जो है कभी एक महल हुआ करता था, टीकमगढ़ के राजा ने अपने ऐशो आराम के लिए इसे बनवाया। यहीं पर एक अप्सरा का नृत्य देखकर उन्हें उनसे मोहब्बत हो गई। क्या वो उनकी पहली मोहब्बत थी? मोहब्बत तो हमेशा पहले ही होती है, उसके बाद लफड़े होते हैं। अच्छा तुम्हें मोहब्बत है या लफड़ा? मोहब्बत। किससे? है कोई लफड़े वाली? अब बता भी दो। अरे ऐसे कैसे बता दूं? उसके लिए तो एक हिंदी फिल्म का माहौल चाहिए, बारिश होनी चाहिए, मूड होना चाहिए और एक गाना होना चाहिए।